रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास टू टेबल कंटेंट ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स यूनिट नंबर वन कंप्यूटर्स अराउंड अस दिस इज बुक टाइटल लेक्चर नंबर थ्री की टर्म्स पीसी इज अ पर्सनल कंप्यूटर पीसी क्या है पीसी शॉर्ट फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर की पर्सनल कंप्यूटर मीन्स जो आप पर्सनली बैठ के खुद यूज़ करें जैसे आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसको पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है लैपटॉप इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर एंड कैन फिट ऑन योर लैप कह रहे हैं कि ये आपके पास एक पोर्टेबल कंप्यूटर है और ये आपके लैब में ईजिली फिट आता है और आप ईजिली इसको कैरी करते हैं जब आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे होते हैं अब हम इसी यूनिट के यूनिट नंबर वन की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं एक्सरसाइज है ए पार्ट चूज द करेक्ट वर्ड एंड्रॉयड इन द स्पेस प्रोवाइडेड अब आपके पास ब्लैंक है आपने राइट ऑप्शन को यहाँ से चूज़ करना है एंड देन आपने उसको पुट करना है करेक्ट स्पेस पे कंप्यूटर इज एंड डैश मशीन कंप्यूटर आपके पास मशीन है कौन सी मशीन है आपके पास इलेक्ट्रिकल बी इलेक्ट्रॉनिक सी मैकेनिकल ऑप्शन बी इज़ राइट इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड अ कंप्यूटर विच इज़ केप्ट ऑन द डेस्क इज़ कॉल्ड अ डैश कंप्यूटर कि आप जो डेस्क पे कंप्यूटर को रखते हैं उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है क्या नाम दिया जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर या पर्म टॉप कंप्यूटर तो ऑप्शन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने अपनी ब्लैंक्स में भी लिखना है थर्ड अ कंप्यूटर हेल्प यू टू डैश कंप्यूटर क्या करता है आपको हेल्प करने में ड्रम ड्रॉइंग या ड्रॉ करने में आपको हेल्प करता है कि आप कंप्यूटर में जब पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपको कंप्यूटर जो है वो हेल्प करता है फोर्थ है अ कंप्यूटर विच लुक्स लाइक अ ब्रीफ केस इज़ अ डैश कि कंप्यूटर जो आपको ब्रीफ केस की तरह दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है लैपटॉप टैबलेट या डेस्कटॉप लैपटॉप ऑप्शन ए बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स मिस्टेक्स फास्ट टैबलेट लैपटॉप कार्टून्स अब आपके पास वर्ड बैंक गिवन है आपने ब्लैंक्स को रीड करना है और ब्लैंक में राइट ऑप्शन को लिखना है फर्स्ट अ कंप्यूटर हेल्प यू टू वॉच डैश कंप्यूटर आपको क्या करता है हेल्प कि आप वॉच करते हैं कार्टून्स अ डैश कैन ऑल्सो वर्क ऑन अ बैटरी कि कौन सा है कंप्यूटर है लैपटॉप है डेस्कटॉप कंप्यूटर है कि बैटरी पे ऑल्सो वर्क करता है तो आपके पास आपने राइट ऑप्शन यहाँ पे देखना है कि लैपटॉप है आपके पास तो आपने यहाँ पे लैपटॉप लिखना है थर्ड अ कंप्यूटर डज नॉट मेक डैश कंप्यूटर क्या नहीं करता कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता फोर्थ अ डैश कंप्यूटर इज़ अ मोबाइल लाइक कंप्यूटर एक डैश कंप्यूटर है कि कौन सा कंप्यूटर है जो मोबाइल की तरह ही होता है सेम तो टैबलेट कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ वेरी डैश इन डूइंग कैलकुलेशन कंप्यूटर जो है वो वेरी फास्ट कैलकुलेशन करता है नेक्स्ट टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस अब आपने टिक क्रॉस देखने हैं स्टेटमेंट को रीड करना है कि आपके पास राइट स्टेटमेंट क्या आ रही है कि आपके पास राइट स्टेटमेंट पे आपने टिक और रॉन्ग पे आपने क्रॉस करना है फर्स्ट ए पार्ट लैपटॉप इज़ बिगर इन साइज देन अ पीसी कि लैपटॉप जो है वो कह रहे हैं कि बिगर है बड़ा है पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उससे बड़ा है तो ये आपके पास फॉल्स यानी क्रॉस में आएगा बड़ा नहीं है वो पीसी से छोटा है इजीली पोर्टेबल डिवाइस है सेकेंड कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स कह रहे हैं कि कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती तो ट्रू है कंप्यूटर की फीलिंग्स नहीं होती ह्यूमन मीन या मैन की फीलिंग्स होती हैं थर्ड अ कंप्यूटर डज नॉट हेल्प यू टू ड्रॉ कंप्यूटर जो है वो कह रहे हैं कि आपको हेल्प नहीं करता ड्रॉ करने में तो फॉल्स स्टेटमेंट है क्रॉस है क्यों नहीं क्योंकि कंप्यूटर हमें हेल्प करता है फोर्थ है स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन कि स्मार्टफोन आपके पास कह रहे हैं कि एक मोबाइल फ़ोन है तो ये ट्रू है कि जो स्मार्टफोन है वो हमारे पास क्या है मोबाइल है फिफ्थ डेस्कटॉप कंप्यूटर लुक्स लाइक अ ब्रीफ केस कह रहे हैं कि जो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पड़ा हुआ होता है वो एक ब्रीफ केस की तरह दिखाई देता है तो ये क्रॉस है ब्रीफ केस की तरह नहीं दिखाई देता डेस्कटॉप जो है पर्सनल कंप्यूटर होता है ब्रीफ केस की तरह जो दिखाई देता है वो आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर होता है डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब आपने आंसर करना है इन क्वेश्चन का वट इज़ अ कंप्यूटर फर्स्ट वट इज़ अ कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कब वर्क करती है इट हेल्प ड्रॉ राइट एंड लर्न इट हेल्प ये हमारी मदद करती है ड्रॉ यानी कोई भी आप चीज़ ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स राइट उसमें लिखते हैं एंड लर्न हम उससे सीखते हैं तो ये हेल्प करता है कंप्यूटर में सेकेंड है विच कंप्यूटर डू यू हैव इन योर स्कूल लैब कह रहे हैं कि आपके स्कूल लैब में कौन सा कंप्यूटर है हमारे स्कूल लैब में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं ठीक है आपके स्कूल में कौन से कंप्यूटर्स हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर थर्ड नेम टू एक्टिविटीज़ दैट यू लाइक टू डू मोस्ट ऑन कंप्यूटर
फर्स्ट आई लाइक टू ड्रॉ ऑन कंप्यूटर, कि मैं ड्रॉ यानी ड्राइंग करने में आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स ऑन कंप्यूटर, के हैं कंप्यूटर पे वॉच कार्टून्स जो हैं वो वॉच करता हूँ, वो मुझे पसंद है। आप इसके अलावा भी कुछ टू एग्जांपल्स अनदर लिख सकते हैं, ठीक है, पेंटिंग की लिख सकते हैं, राइटिंग की लिख सकते हैं, या अदर एग्जांपल भी इसके साथ दो एक्टिविटीज़ आप अपनी लिख सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। फोर्थ क्वेश्चन, राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन बींग। अब आपने थ्री डिफरेंस बताने हैं ह्यूमन बींग एंड कंप्यूटर में। फर्स्ट डिफरेंट क्या है, कंप्यूटर वर्क फास्ट, कंप्यूटर जो है वो वर्क फास्ट करता है, स्लो इन वर्क, ह्यूमन बींग जो है वो स्लो काम करता है। कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स, कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं है, ह्यूमन बींग हैज़ फीलिंग्स, कि ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स होती हैं। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर जो है वो नहीं थकता, यानी वो कभी भी बोर या थकता नहीं है। ह्यूमन बींग गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम, ह्यूमन बींग जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो थक जाते हैं, जब वो कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे होते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद टायर्ड हो जाते हैं। होमवर्क है आपका पेज नंबर 11 पार्ट ई एफ जी। ई में आपके पास मैच द फॉलोइंग, यानी आपके पास पिक्चर्स हैं और सामने आपको एक वर्ड स्टेटमेंट दी हुई है, आपने उसके साथ मैच करना है कि आपके पिक्चर्स के साथ क्या नेम्स आपने उसके साथ मैच करने हैं। एफ अरेंज द जंबल वर्ड्स, अब आपको जंबल वर्ड्स दिए हुए आपने अरेंज करके लिखना है। जी कलर द डेस्कटॉप कंप्यूटर, अब आपके पास जी पार्ट में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपने वो कंप्यूटर को कलर करना है।